हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित। आप देख रहे हैं टेक गोविंद यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है या डेल का जी बिफिन या अदर कोई मॉडल है, तो उसको हम जैसे ही इस तरीके से ओपन करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये तुरंत ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो इसे किस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो आप इस जो डेल का मेरा जो मॉडल नंबर है डेल जी फिफ्टीन है, तो इसे किस तरीके से ऑफ़ करना है, जैसे ही इसे ओपन करें तो ये ऑन ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा लैपटॉप है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो इसकी जो सेटिंग है वो किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो लैपटॉप है उसे यहाँ पर शट डाउन कर देना है, यहाँ से आकर के और यहाँ पर शट डाउन कर देना है। यहाँ पर शट डाउन हो चुका है। एक बार मैं फिर दोबारा से पावर ऑन करता हूँ और यहाँ पर F2 की है उसे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो F2 की आपको दिख रही है, वो 3-4 बार आपको इस तरीके से प्रेस करनी है, इस तरीके से आपको प्रेस करनी है 3-4 बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग टू बूट डिवाइस पे ये चला गया है। और यहाँ पे आपको आने के बाद क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, ये पावर का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको पावर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से मैंने पावर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके की सेटिंग है जो आपके सामने आएगी, और आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाना है इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हो। और मेरे को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि पावर ऑन LED ओपन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, तो उसे अब हमें ऑफ़ इस तरीके से यहाँ पे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद हमें यहाँ पे एग्ज़िट कर देना है, अप्लाई चेंज पे करना है, अप्लाई चेंज पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, ओके करने के बाद यहाँ पर एग्ज़िट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे ऑफ हो चुका है, लैपटॉप है वो भी शट डाउन हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से शट डाउन हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा से इसे करके दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मेरा ये सेटिंग है वो अप्लाई हुआ है या नहीं। सबसे पहले मैं दोबारा से अपने लैपटॉप है उसे ऑन कर देता हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपना जो लैपटॉप है उसकी जो सेटिंग है वो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ।